हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट साइंस का सिलेबस बताने वाले हैं। 2024 से 25 का है, तो देख लीजिए साइंस में कौन कौन से चैप्टर डिलीट किया हुआ है, कौन कौन से चैप्टर कट किया हुआ है, और जो जो चैप्टर से कट किया हुआ है उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। तो अगर आपको नया वाला बुक मिला होगा तो वो आपका 2024 से 25 वाला अगर मिला होगा तो उसमें सिलेबस कम किया हुआ ही मिला होगा, ठीक है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, और नहीं तो अगर पुराने वाले बुक आपके पास है तो उसमें टिक लगा लीजिए। और इसी तरह से आपको हम क्लास नाइन्थ का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे, और साथ ही साथ CM एक्सलेंस ऑफ स्कूल का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जा रहा है। और आपको बता देते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर क्लास नाइन्थ का, उस सब के सब अपलोड किया गया है, उसको आप जा करके देखें। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आगे भी इसी तरह से आपको हम मदद करेंगे, क्लास टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, ये सब मदद करते रहेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए चैप्टर नंबर वन लिखा हुआ है इसमें, हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर नंबर वन है, ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद है चैप्टर नंबर टू लिखा हुआ है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चैप्टर नंबर थ्री है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और चैप्टर नंबर फोर है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स। इसके बाद है चैप्टर नंबर फाइव है, तो चैप्टर नंबर फाइव में देखें जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर नंबर सिक्स है ऊतक, सेवन है गति, एट है बल तथा गति के नियम, नाइन है गुरुत्वाकर्षण, जो कि पिछले वाला अगर बुक में देखिएगा पुराने बुक में तो ये चैप्टर नंबर टेन पर था। इसके बाद है चैप्टर नंबर टेन है आपका कार्य तथा ऊर्जा, और इसके बाद है चैप्टर नंबर इलेवन ध्वनि, और इसके बाद है चैप्टर नंबर ट्वेल्व खाद्य संसाधनों में सुधार। तो ये है दोस्तों आपका साइंस का सिलेबस, जो कि 2024 से 25 बोर्ड एग्जाम में आपको इस जो जो आपके चैप्टर है उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो डिलीट किया हुआ उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।